हेलो एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लौकी का रायता, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। और गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में रायता कोई भी चीज़ का हो तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और खाने का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, साथ साथ हेल्दी भी है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक लौकी, और उसे हम अच्छे से धो कर के छील लेंगे। तो यहाँ पर हमने लौकी को अच्छे से छील लिया है, देख सकते हैं। उसके बाद इसे हम टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लौकी को चार भाग में कट कर लिया है, और इसके जो आगे और पीछे के पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे, और उसके बाद इसके हम सारे बीज को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लौकी के बीज को भी निकाल लिया है, और इसके बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो आपके पास जो भी ग्रेटर है आप उसे ग्रेट कर सकते हैं, जैसे इस तरह से हम मोटे वाले छेद है उससे हम इसे ग्रेट करेंगे, ताकि जो इसके लच्छे हैं वो बराबर से आ जाए। तो इस तरह से हमने ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं। गैस ऑन करके हमने एक फ्राई पैन चढ़ाया है, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं। मैं इसे बिना उबाले हुए ही बना रही हूँ। तो लौकी को हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तो पैन जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कुकिंग ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे, करीब एक चौथाई चम्मच। ऑयल अच्छे से परफेक्ट गर्म हो चुका था, अब इसमें हम जो लौकी कद्दूकस किए हैं वो डाल देंगे, और उसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि लौकी का पानी है वो सूख नहीं जाता है। तो लौकी को हम बिना ढके हुए ही कुक करेंगे, इस तरह से हम उलटते पलटते हुए चलाते हुए लौकी को फ्राई कर लेंगे, और देख सकते हैं कि लौकी अच्छे से फ्राई भी हो रही है, साथ साथ इसका पानी भी जो है वो सूख गया है। तो करीब 5 मिनट हो गए थे लौकी को हमें फ्राई करते हुए, और लौकी अच्छे से देखिए फ्राई हो गए हैं। इसका यही पहचान है कि ये पैन या कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं। लौकी अच्छे से कुक भी हो गए हैं, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो लौकी हमारे जब तक ठंडे हो जाते हैं तब तक हम दही को फेंट लेंगे। अब हमने लिया है एक बड़ा सा बाउल, और उसमें हम डालेंगे 2 कप दही। ये घर की जमी हुई दही है, आप कोई भी दही बाजार का भी ले सकते हैं, और दही बिल्कुल ये मीठी है। अगर आपके पास खट्टी दही है तो उससे भी रायता बना सकते हैं। तो 2 कप हमने दही इसमें डाल दिया है, और साथ ही साथ इसमें हम 2 चम्मच चीनी भी डालेंगे, ताकि इसका जो दही का बैलेंस है वो बना रहे। थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा रायता है वो अच्छा लगता है। चीनी भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है, और साथ ही साथ इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। जो दही हमने कप में डाला है उसी कप से हम 1/2 कप इसमें पानी डालेंगे, और हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए मिक्सर से दही को अच्छे से फेंट लिया है, और ये बिल्कुल स्मूथ दही हमारे जो बन करके तैयार हुए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिससे कि रायता है वो टेस्टी भी बना रहे और साथ साथ चटपटा भी लगे खाने में। तो सबसे पहले हमने मसालों में डाला है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अगर आप काला नमक पसंद करते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद नमक का यूज किया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें लौकी डाल देंगे जो कि हमने पहले से फ्राई कर लिया है, और लौकी डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो रायता है वो बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम सर्व करेंगे एक छोटे से बाउल में। तो ये देखिए हमने एक बाउल में निकाल लिया है, और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे। तो हमारे जो परफेक्ट रायता है वो बन करके तैयार है सर्व करने के लिए। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।